हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। किसी ने सही ही कहा है, इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। आप भी मानते हैं? कभी कभी मुझे भी लगता है, पर ये सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना। हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सही चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिनके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। अब देखिए ना, WARM और WORM, दो वर्ड्स ये आपको पता है ना। WARM इसको हम प्रनाउंस करते हैं वॉर्म, वॉर्म, राइट। और WORM इसे हम प्रनाउंस करते हैं वॉर्म, जबकि ओ है तो ओ होना चाहिए ना वॉर्म, पर ये गलत है। इसे हम प्रनाउंस करते हैं वॉर्म, WARM, वॉर्म, वॉर्म मतलब गर्म। इट्स टू वॉर्म, बहुत गर्म है आज, या बहुत गर्म है। दिस मिल्क इज वॉर्म, मिल्क दूध गर्म है, जबकि WORM ये है वॉर्म, जो कीड़ा होता है ना गार्डन में, आप देखते होंगे रेंगते वो चलता है। अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म नहीं होता है, अर्थ वॉर्म होता है, अर्थ वॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स ईट वर्म्स, चिड़िया जो है वर्म्स खाती हैं। सो जो लोग अर्थ वॉर्म बोलते हैं ना, अर्थ वॉर्म मैंने देखा, वो भी गलत है। इट इज अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जिनका प्रोनाउंसिएशन अगेन बहुत कंफ्यूजिंग है। BALD, बॉल्ड, बॉल्ड, और BOLD, बोल्ड। एक ही लेटर का डिफरेंस है, पर प्रोनाउंसिएशन भी काफी अलग अलग है। BALD, बॉल्ड, बॉल्ड मतलब गंजा, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एट 20 ही इज गोइंग टू बी बॉल्ड, 20 की उम्र में ही वो गंजा होने वाला है, राइट। मतलब बाल उड़ने वाले हैं, हेयर फॉल होते हैं तो हम बोलते हैं ना, ओ इट सीम्स आई एम गोइंग टू बी बॉल्ड, ऐसा लग रहा है कि मैं गंजी हो जाऊंगी। सो BALD, बॉल्ड, जबकि BOLD बोल्ड होता है, बोल्ड, बोल्ड मतलब साहसी। शी इज वेरी बोल्ड एंड फियरलेस राइटर, वो बहुत ही फियरलेस और बोल्ड साहसी राइटर है, लेखिका है। सो BALD को आप बोल्ड नहीं बोलेंगे या बाल भी नहीं बोलेंगे, बोल्ड, बोल्ड। अब इन वर्ड्स को देखें, IDEAL और IDOL, दोनों को ही हम आइडल प्रोनाउंस करते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। IDEAL, आइडियल, अ है बीच में, आइडियल, इसका यूज एज एन एडजेक्टिव करते हैं और मीनिंग होता है आदर्श, जबकि IDOL ये है आइडल, आइडल, इसका यूज एज ए नाउन किया जाता है, मीनिंग होता है मूर्ति या आदर्श व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है आदर्श, जो हो हमारे लिए पूजनीय हो, प्रेरणादायक हो। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताती हूँ, दिस प्लेस इज आइडियल फॉर लिविंग, आइडियल, IDIAL, आइडियल मतलब आदर्श जगह है, बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, सो आइडियल। जबकि सचिन तेंदुलकर इज माई आइडल, सचिन तेंदुलकर मेरे आदर्श हैं, या विश वर्शिप, गणेशा आइडल, हम गणेश जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, प्रोनाउंसिएशन पर काफी ध्यान दीजिए। IDEAL आइडल नहीं है, आइडियल है, अ का साउंड आना चाहिए, आइडियल, जबकि IDOL आइडल। BAWL और BOWL, अगेन ओनली वन लेटर का डिफरेंस है, पर BAWL ये क्या हुआ, बॉल, 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 बाउल नहीं है, राइट, बॉल। और इसका मीनिंग क्या है, चिल्लाना, वर्ब की तरह यूज होता है। शी बॉल एट मी टू सिट, वो मेरे ऊपर चिल्लाई, उसने मेरे को चिल्लाकर कहा बैठने के लिए, सो बॉल, BAWL, बॉल। और BOWL ये है बोल, बोल, अरे कुछ तो बोलो, वो वाला बोल, बोल यानी कटोरी,
वुड यू प्लीज पास मी अ बोल, क्या आप मुझे कटोरी पास कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी बाउल नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। बी ए डब्ल्यू एल भी बाउल नहीं है और बी ओ डब्ल्यू एल भी बाउल नहीं है। बी ए डब्ल्यू एल बॉल, बॉल, और बी ओ डब्ल्यू एल यह है बोल। और जो ये लास्ट है ना, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अब तो लोगों को काफी पता चल गया है, पर फिर भी काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें एस यू आई टी ई इसका मतलब नहीं पता होगा और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये भी नहीं। एस यू आई टी ई और एस यू आई टी दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। एस यू आई टी ई को हम स्वीट प्रोनाउंस करते हैं, स्वीट, वो जो स्वीट होता है ना एस डब्ल्यू डब्ल्यू ई टी वाला, वो ही प्रोनाउंसिएशन है इसका भी, एस यू आई टी ई का स्वीट। और ये क्या होता है, होटल का एक कमरा, बहुत अच्छा वाला कमरा, लग्जूरियस कमरा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इंटरव्यूड इन वन ऑफ द स्वीट ऑफ द होटल, उसका इंटरव्यू हुआ होटल के कमरे में, लग्जूरियस कमरे में। और एस यू आई टी ये सिंपल है, सूट, जो आपको सूट करे। दिस ड्रेस डजंट सूट मी, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये तो वर्ब की तरह यूज हुआ। सूट का यूज एज अ नाउन भी करते हैं, पहनने वाला सूट होता है ना, वो भी होता है। आई लाइक दैट सूट, मुझे वो सूट पसंद है। सो रिमेम्बर, एस यू आई टी ई इट इज प्रोनाउंस्ड एज स्वीट और एस यू आई टी सूट। तो देखा आपने किस तरह से प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है अगर एक लेटर भी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही चीज हो कि प्रोनाउंसिएशन सेम रहे और स्पेलिंग डिफरेंस हो जाए। कभी कभी स्पेलिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होते हैं, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वरना आप बोलना क्या चाहेंगे और बोल क्या देंगे। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमिडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 ऐसे वर्ड पेयर लेकर आऊँगी जिनके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, उनके हिंदी मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।